नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए सबसे पहले नजर डालेंगे झांसी की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं मनीष अली। समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। इस टाइम हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 में, स्कूलपुरा क्षेत्र में। मैं अपने सहयोगी विजय माहौर से कहूँगा, ये नालियाँ दिखाइए। जिस प्रकार स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है, उस प्रकार काम नहीं हो रहा है ठेकेदारों के जरिए। नहा यहाँ के पार्षद इस पर गौर कर रहे हैं। मोहल्ला वालों का आरोप है कि जो सामने ये पुलिया देख रहे हैं, ये पुलिया डस्ट से बनाई है। और अब मैं पुलिया का मटेरियल उठा के दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से गलत मटेरियल बना के बनाई है। ये आरोप है मोहल्ले वालों का। आइए बात करेंगे मोहल्ले वालों के से क्या दिक्कत हुई थी और कितने दिन तक यह टूटी पड़ी रही। कई बार यहाँ के समाज सेवियों ने भी इसकी आवाज़ उठाई और यह काम अब हो पाया है। चाचा जी नाम बताइए। मेरा नाम नूर बेग है। यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? ये दिक्कत ऐसा है कि पुलिया वो लोग निकाल के चले गए थे, टूट टाट गई सबरी, और लोग निकल रहे हैं, निकल नहीं पा रहा, गिर गिर पड़ रहे थे। हम लोगों ने पत्थर रख के लोगों को निकाला है और वो ऐसी दो तीन तसले पटक के और रिपेयर भी नहीं करी सही से। अभी भी परेशानी टूटी पड़ी है। जी बताइए कि जो मटेरियल लगाया, क्या इससे संतुष्ट हैं आप? नहीं नहीं, मटेरियल जो हमारा पहले सही लगा था वो सीमेंट से बनी थी। अब ये डस्ट लगाई है, उड़ जा रही है, डस्ट थोड़ी है, मतलब कहने का जाने क्या है? क्या लगता है जी कितने दिन बाद टूट? अरे वो 4-5 दिन में टूट जाएगी। अच्छा, उड़ रही है सब। हम लोग तो पानी डालते रहते हैं, लेकिन वो है कि रख दी ये चीज़ है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो मटेरियल लगा है कि बिल्कुल बेकार लगा हुआ। आइए बात करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम मेहता वालम है। ये बताइए कितने बार आप लोगों ने यहाँ की शिकायत करी और कब काम चालू हुआ? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पत्रकार बंधुओं का, जो आप लोग इस गरीब बस्ती में आए हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो डस्ट से काम किया गया है, नगर निगम द्वारा, नगर अधिकारी द्वारा इसकी जाँच हुए और जांच होने के बाद इसकी पुलिया पे एक जाल लोहे का डाला जाए, जिससे कि चारों तरफ का नली का पानी जो आता है एकत्र होता है, तो उस गंदगी को हम लोग निकाल सकें। और यहाँ के जो कर्मचारी आते हैं बस साफ कर जाते, पुलिया के अंदर सफाई नहीं हो पाती है। और आप लोग भी जानते हो यहाँ पर डेंगू का माहौल कैसा चल रहा है, घर घर डेंगू की बीमारियाँ फैल रही हैं। हम लोग चाहते हैं डेंगू से भी बचाव हो, जिससे कि बीमारियों से दूर हो। और नगर निगम से अनुरोध करते हैं कि यहाँ पर छिड़काव हो, डेंगू की दवाई डाली जाए, जिससे कि यहाँ पर बस्ती में बीमारी से लोग बाग बचते रहे। कौन सी गली कहलाती है? जे स्कूलपुरा की जे गली तो कमेले के सामने वाली गली कहलाती है, जिसमें निर्माण इसमें करा गया था, मगर ठेकेदार द्वारा इसे सही रूप से इसे काम नहीं किया गया। और कम से कम 15 दिन पहले से कहाँ तोड़ के डाल दी गई। 15 दिन तक मोहल्ले वाले बस्ती वाले बहुत परेशान रहे, जिससे कि आने जाने में बड़ी दिक्कत हुई। कुछ 2-4 लोगों को गंभीर चोटें भी आई हैं इसमें निकलते समय। जिस फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने उस ठेकेदार से और यहाँ क्षेत्रीय पार्षद को बुला के अवगत कराया कि जिससे कि जो रोड सही हो जाए और पुलिया सही हो जाए। उसके कारण फिर पार्षद के अवगत कराने के बाद भी ठेकेदार ने अपनी मनमानी करी है और इसमें पुलिया को सही रूप से इसमें काम नहीं कराए। तो ये थे मेहता वालम। मैं एक बार फिर कहूँगा, विजय हमारे विजय योगी हैं, कि ये मटेरियल दिखाइए। ये मटेरियल जो नगर निगम प्रशासन देख रहा हो तो देखिए किस प्रकार ठेकेदार अपना कार्य कर रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं और जनता का पैसा बर्बाद जा रहा है। झांसी से वार्ड नंबर 12 से मनीष अली, समाचार बुंदेलखंड।